प्यारे भाई और उनकी बहनों, क्या हाल है तुम लोगों के। फिर से वेलकम है तुम्हारा एक और नए गेम प्ले वीडियो में, जहां पर आज हम बहुत दिनों बाद टेकन एट खेल रहे हैं। और अपनी शुरुआत वहीं से हुई है जहां पे अपनी पिछली वीडियो का एंड हुआ था, यानी वो रेना मर गई थी अपनी, और उसके बाद कजुया चले गया था जिन के पास, और लार्स भी चले गया था वो शोयू की मदद करने और जिनको प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो अब अपने को आगे देखना है कि आगे क्या होने वाला है। और भाई मेरा गला थोड़ा सा खराब है, अगर तुम्हें आवाज थोड़ी अजीब सी आ रही हो तो उसके लिए मेरे को माफ करना, मेरी तबीयत सच्ची में बहुत ज्यादा ही खराब हो रही है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का अपने टेकन एट का बढ़िया सा वीडियो। तो भाई यहाँ पे अपने चैप्टर 11 की शुरुआत हो गई थी, जहाँ पे लार्स शोयू से मिलने आ चुका था और जिनकी मदद करने, लेकिन वहां पे भाई डेविल कजोया भी अपना पहुंच जाता है। उसके बाद भाई जो होना था वो होना था, तुम जानते हो क्या होना था, कि लार्स से डेविल कजोया की लड़ाई होने वाली थी। यहाँ पे भाई मैं अपने लार्स से ना इसको, मतलब लार्स को तो मैं ही कंट्रोल कर रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, अपने लार्स से ना मैं इस डेविल कजोया को अच्छा खासा दो रहा था, लेकिन भाई इन लोगों ने ना स्टोरी चला दी मेरी अच्छी खासी अच्छी बची थी, लेकिन स्टोरी चला दी, लेकिन फिर फाइट हुई भाई डेविल कजोया और लार्स के बीच में। यहाँ पे डेविल कजोया ने ना अपनी थोड़ी ज्यादा पावर लगानी स्टार्ट कर दी, लेकिन भाई तुम्हारा भाई है, उसने भाई एकदम गंदी तरीके से डेविल कजोया को धोया। ठीक है, उसके भाई सब सामने खुद ही देख सकते हो भाई कैसे इसको उछाल उछाले मार रहा हूँ फुटबॉल की तरह, भाई बहुत तगड़ा मारा, लेकिन स्टोरी तो स्टोरी है भाई। उसने दिखाया कि लार्स बेचारा अपना थक चुका है, और भाई लार्स अपना थक भी चुका था सच्ची में, तुम देख सकते हो भाई बहुत ज्यादा थक चुका था, लेकिन यहाँ पे एकदम से डेविल कजोया गायब हुआ और ऊपर आसमान में पहुंच गया, और भाई इसने अपनी आग से ना जो उसके सीने में लगी थी एकदम मतलब तगड़ी सी बीम भेजी, लेकिन भाई ये जो अपना लार्स था ना ये फिर खड़ा हुआ, और डेविल कजोया को इसमें ना भाई हायाची की इमेज दिखने लग गई, जो कि भाई उसका बाप था हायाची, अगर तुम्हें पता ना हो तो। भाई यहाँ पे लार्स के अंदर हायाची की इमेज दिखने लग गई इस डेविल कजोया को, और भाई उसके बाद मेरे को फिर लग रहा था कि इन दोनों के बीच में भसड़ फैलने वाली है, फाइट होने वाली है, लेकिन भाई भगवान की कृपा से ऐसा कुछ हुआ नहीं सच्ची में। ठीक है, यहाँ पे जैसे इनका सीन दिखाया, फिर सीन कट हुआ, आया अपना चैप्टर 12, जहाँ पे हम सीन देखते हैं भाई जिन के माइंड का, जहाँ पे जिन अपने माइंड में है जब वो बेहोश हो गया था, और यहाँ पे देखो वो उसी पोर्टल से निकल के आया है भाई जिस पोर्टल से वो अंदर गया था। सामने उसे उसकी ना मोम दिखती है, मतलब गिरी हुई, लेकिन वो सामने जाते तो गायब हो जाती है। फिर एक हंसी की, ग्रीपी सी हंसी की आवाज आती है, उसके बाद भाई जिन जब इधर उधर देखता है तो उसे पता चलता है यहाँ पे डेविल जिन है। ठीक है, यहाँ पे डेविल जिन और जिन के बीच में फाइट होने वाली है, ये मैं पहले ही समझ गया था, और यहाँ पे इन दोनों के बीच में बातें होने लग जाती है, फाइट होने लग जाती है। फिर यहाँ पे वही वाला सीन है, जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो बंदर वाली बात, लेकिन भाई मेरे हाथ में जिन था, जिन को मैं कंट्रोल कर रहा था, तो मैंने उसको बहुत गंदा ही मारा। तुम देख सकते हो भाई यहाँ पे ये डेविल वेविल कुछ नहीं है मेरे सामने, दो तीन मुक्के मेरे भी लगे, लेकिन भाई उसके बाद मैंने जो इसकी पिटाई करनी चालू करी तगड़ी दी, और उसके बाद इसे खत्म कर दिया। फिर भाई जैसे ही मैंने इस डेविल जिन को खत्म करा, उसके बाद भाई यहाँ पे इन दोनों के बीच में थोड़ी बातें हुई, और डेविल जिन भाई राख बन गया और उड़ गया, और यहाँ पे ये सारी चीजें भी जो थी ना वो मतलब खत्म हो गई थी, लेकिन फिर मैं जैसे ही आ गया यहाँ पे डेविल जिन फिर से आ गया, और भाई यहाँ पे मेरे को ये बंदा थोड़ा सा पावरफुल सा लग रहा था सच्ची में, थोड़ा ताकतवर सा लग रहा था, और सच्ची में इसकी ताकत बढ़ी गई थी। लेकिन भाई इसमें भी क्या था, इसमें भी मैंने इसको पेलना चालू किया जल्दी से, और भाई यहाँ पे अपन दोनों की फाइट चल रही है, यहाँ पे कभी डेविल जिन मेरे को मार रहा है, कभी मैं उसे मार रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे भाई जैसे ही अपने हीट बस्ट मोड में आया, इसने अपनी स्पेशल एबिलिटी का यूज करा, और उसके बाद भाई इसकी स्पेशल एबिलिटी, इसका जो स्पेशल मूव था ये अलग ही था। अगर मेरी एचपी फुल नहीं होती, अगर मैंने इससे पहले डैमेज लिया होता ना, तो मैं आज मर चुका होता, लेकिन भाई मैंने जैसे तैसे इसको मारा, उसके बाद अपने स्पेशल मूव का यूज करा, और उसके बाद भाई इसके कनपट्टी पे रख के मुक्का दिया और इसको खत्म ही कर दिया। तुम देख सकते हो, ये देखो भाई एकदम तगड़ा सा मुक्का दिया, उसके बाद एंड में लात मार के इसको खत्म किया, और उसको जैसे मैंने खत्म किया फिर ये भी राग बन गया बंदा। उसके बाद भाई ये राग बनने के बाद मेरे को समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे। फिर मैं आगे गया, आगे जाके भाई मेरे को ना वो जिन मिला, यहाँ पे मतलब मेरे को डेविल जिन की पावर तो मिल चुकी है, ठीक है, क्योंकि वहां पे मैंने दो डेविल्स को हरा दिया, डेविल जिन की पावर मेरे को मिल चुकी है, लेकिन वहां पे आगे जाके मेरे को वो जिन मिला जो कि अपने अंदर ही ना एक टाइप से ट्रैप हो रखा है, और मुझे उसकी चेंज तो नहीं थी ताकि वो अपनी सारी पावर्स को ना बाहर ला सके। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपनी डेविल पावर्स से ना यहाँ पे इसको बहुत गंदा कूटना स्टार्ट किया, लेकिन भाई ये भी ज्यादा पावरफुल था, सच बताऊं तो ये वाला ना बाकी दो डेविल से ज्यादा पावरफुल था, लेकिन भाई अपने पास नई डेविल पावर्स थी इसलिए मैंने इसको कूटना चालू किया और एंड में जाके इसको खत्म ही कर दिया। फिर भाई इसको खत्म करने के बाद मेरे पास आ चुका था वो तगड़ा सा मूव, लेकिन भाई उससे पहले ना मैंने सोचा वो करूंगा मैं, लेकिन भाई इस बंदे की एचपी फिर से बढ़ गई, और उसके बाद भाई एंड में जाके ना मैंने इसको खत्म ही किया, और खत्म करके वही वाला मूव अपना परफॉर्म किया, और तुम देख सकते हो यहाँ पे भाई वो डेविल जब तक कर रहा था तब तक कितनी डार्कनेस थी, लेकिन जब जिन के पास डेविल पावर आई है वो कर रहा है, तो यहाँ पे भाई एकदम लाइट लाइट फैल गई है, और यहाँ पे भाई जो अपना ओरिजिनल जिन था ना, जो अपने अंदर का जिन था, उसकी चेंस मैंने तोड़ दी। यहाँ पे भाई जिन
और डेविल की पावर दोनों एक होने जा रही है, क्योंकि जिनने बोला चलो आ जाओ साथ में फाइट करते हैं, यहाँ पे डेविल बोल रहा है कि मैं कभी तुम्हें डिनाई नहीं करूंगा क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे अंदर ही था। यहाँ पे भाई डेविल की और जिन की पावर जो थी वो अपनी एक हो गई। यहाँ पे जो शुरुआत में हमने सीन देखा था वही सीन हमें इस चैप्टर में देखने को मिल रहा है, जहाँ पे डेविल का हाथ जिन पकड़ ले रहा है और भाई यहाँ पे जिन बोल रहा है कि तुम हमेशा ही मेरे को प्रोटेक्ट करते थे, ठीक है। यहाँ पे जिन के पास सारी डेविल पावर आ गई है और अपने पास जो है ना भाई चैप्टर 13 की स्टार्टिंग हो चुकी है। यहाँ पे भाई लार्स मरने ही वाला था क्योंकि कजोया ने पूरी पावर से अपनी बीम फायर कर दी थी, लेकिन भाई जैसे ही यहाँ पे जिन आया जिनने लार्स को बचा लिया। यहाँ पे लार्स की भाई एकदम बहुत गंदी वाली हालत हो गई, यहाँ पे जिन शोयू से मिला, उसके बाद भाई हफ्ता जो है और जिन में बचाने लग गई। यहाँ पे ये दोनों ऐसे लड़ रहे थे भाई जैसे बाप बेटे नहीं जानी दुश्मन हो, ठीक है। और सच्ची में भाई बाप बेटे नहीं है, बाप बेटे सिर्फ ऐसे खून के रिश्ते से है, ये सच्ची में जानी दुश्मनी है भाई। बहुत गंदी लड़ाई हुई यहाँ पे, फिर जिन की डेविल जिन की मतलब, और यहाँ पे डेविल का जो है की पावर होने लग गई यहाँ पे। लेकिन भाई मेरे को शुरुआत में समझ नहीं आ रहा था मैं ये नई डेविल पावर को कंट्रोल कैसे करूँ, मुझे कंट्रोल करनी नहीं आ रही है। लेकिन जब मेरे को पता चल गए इसके कंट्रोल्स, तब भाई यहाँ पे डेविल कजोया की हार पक्की थी, क्योंकि डेविल कजोया यहाँ पे मेरे से बहुत गंदा पिट रहा था। ये ट्रू डेविल कजोया, डेविल कजोया नहीं, ट्रू डेविल कजोया, क्योंकि अजाज़िल की पावर है उसके पास। लेकिन इस ट्रू डेविल कजोया को भी मैंने फॉल्स डेविल कजोया बना दिया, ठीक है, ट्रू का उल्टा फॉल्स, कोई वाली बात। फिर वहां पे मैंने वही मूव परफॉर्म किया और यहाँ पे कजोया की पूरी वाट लगा दी भाई, सच्ची बता रहा हूँ। लेकिन मेरे को समझ नहीं आया भाई इस बंदे के अंदर कितनी पावर है, फिर से जाग उठा। उसके बाद भाई ये बंदे की मेरे से फिर फाइट हुई, यहाँ पे इसके पास थोड़ी और पावर इसने अपनी इंक्रीज कर ली। लेकिन भाई यहाँ पे मैंने इसको यहाँ भी कुत्ते की तरह मारा, ठीक है, और बहुत गंदा मारा। लेकिन इसने भाई अपनी पावर इंक्रीज करी और पावर इंक्रीज करके ये बंदा चले गया आसमान में और इसने कोई स्पिरिट बॉम्ब टाइप का बना दिया भाई। और उसके बाद ये पूरी दुनिया को ही खत्म करने जा रहा था, बोल रहा था कि अगर ये दुनिया मेरी नहीं हो पाएगी तो किसी की नहीं हो पाएगी। भाई इसने फेंका वो गोला नीचे, अगर वो नीचे गोला लग जाता तो पूरी दुनिया खत्म होने के चांस थे भाई। लेकिन वो जिन ने क्या किया, जिन ने उसे पकड़ने की कोशिश करी लेकिन जिनकी पावर तब भी कमजोर थी। फिर वो जिन अपने माइंड में गया, वहां पे उसे उसकी मॉम मिली, उसकी मॉम ने उसे दी एंजल पावर यानी कजामा स्टाइल्स की पावर, ठीक है। वहां पे जिनको एंजल पावर्स मिली, यहाँ पे जिन ने भाई अपनी मॉम जिन से एंजल पावर ली और भाई वो बन गया एंजल जिन। उसके बाद भाई उसकी बॉडी पे भी यहाँ पे देखो तुम पूरे आर्मर वगैरह आ रखे, क्या ही चमक आ रही है। फिर जिन निकल गया कजोया से फाइट करने के लिए और उसके बाद भाई यहाँ पे एकदम बैडस लुक आई है जिनकी। और जिन जैसे ही निकला कजोया से फाइट करने के लिए वो आ गया अपने एंजल मोड में, अपने रियल लाइफ में। और उसके बाद वो स्पिरिट बॉम्ब उसने पटक के फेंक दिया समुद्र में और भाई उसकी एनर्जी वहां पे थोड़ी कम हो गई और वहां पे वो फट गया। और उसके बाद भाई जिन कजोया को एकदम ऐसे मार रहा था जैसे कजोया कजोया नहीं है, वो ट्रू डेविल कजोया नहीं है, वो एक ट्रू डेविल फुटबॉल है। फिर भाई ये दोनों लड़ते लड़ते उसी समुद्र में चले गए जहाँ पे जिन ने स्पिरिट बॉम्ब फेंका था और वहां से भाई सब धमाका हुआ बहुत तगड़ा, क्योंकि स्पिरिट बॉम्ब का इफेक्ट पूरी तरह से गया नहीं। फिर चैप्टर 14 की स्टार्टिंग में ना भाई वहां पे पत्थर उड़ने लग गए क्योंकि वो स्पिरिट बॉम्ब की प्रेशर या फोर्स तुम कुछ भी कह सकते हो वो इतनी थी ना कि भाई वहां से ना पत्थर उड़ के सीधा भाई स्पेस में पहुंच गए। स्पेस में पहुंचने के बाद यहाँ पे अपने एंजल जिन और ट्रू डेविल का जोया की फाइट होने लग गई। और भाई जैसे ही मैंने पहले मारना स्टार्ट किया उसको, उसके कंट्रोल भाई उसकी पावर्स देखी मैंने एंजल जिन की, भाई साहब मैंने उसे देखा भाई ये अब मारने वाला और कुछ नहीं है भाई। यहाँ पे देखो वो बंदा अब चल नहीं रहा था, वो बंदा टेलीपोर्ट हो रहा था जिन, और भाई उसके पास इतनी पावर आ गई। तुम मेरा एचपी बार देखो और कजोया का एचपी बार देखो और कुछ नहीं कह सकता मैं, ठीक है। फिर ये कजोया की पावर बड़ी थोड़ी सी और भाई इसने मेरे पे अटैक करने का मतलब ट्राई किया लेकिन भाई कुछ हुआ नहीं सच्ची बताऊं तो। मैंने रोक लिया इसके अटैक और इसके अटैक से डॉज करके मैंने इसे ही मुक्का मार दिया और जमीन में घुसेड़ दिया। लेकिन भाई इसकी पावर फिर भी थोड़ी बहुत बढ़ गई थी क्योंकि इसने एजाज़िल कंज्यूम कर रखा है, ट्रू डेविल है। लेकिन भाई यहाँ पे हम दोनों की फाइट हुई, मैंने फिर इसे हरा दिया। लेकिन भाई ये बंदा फिर से थोड़ा बहुत पावरफुल हुआ और इसने अपनी पावर को इकट्ठा किया और उसके बाद भाई ये फिर से आ गया लड़ने के लिए, ठीक है। यहाँ पे भाई यहाँ पे मैं थोड़ा सा थक रहा था, यहाँ पे जो जिन है अपना थोड़ा सा थक रहा था लेकिन भाई उसने भी अपनी पावर अनलीश करी और उसके बाद भाई यहाँ पे उसकी पावर बढ़ी लेकिन कजोया की भी पावर बढ़ी। उसने अजाज़िल वाला वही अटैक किया और उसके बाद भाई मेरी आधी एचपी तो ऐसी चली गई लेकिन भाई यहाँ पे मेरे पास भी थोड़ी बहुत पावर थी और मैंने अपनी पावर बढ़ा भी ली थी
फिर जिन ने उसको मारना चालू करा, इस वाली फाइट में थोड़ा सा टाइम लगा लेकिन मैंने आगे जाके भाई कजोया को, यानी अपना ट्रू डेविल कजोया को फाइनली भाई इस बार भी हरा ही दिया था। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा इसमें टाइम लग रहा था मैं जानता हूँ, ठीक है, लेकिन ना भाई वहां पे ना मतलब कि इन पावर इतनी बढ़ चुकी थी कि ना कोई भी एक दूसरे को जल्दी जल्दी मार ही नहीं पा रहा था। ठीक है, कभी मैं दो मुक्के खा रहा हूँ, कभी वो दो मुक्के खा रहा है, लेकिन एंड में जाके मैंने इस बंदे को हरा ही दिया। ठीक है, इसको हराने के बाद भाई यहाँ पे जिन ने अपना एंजल वाला वही अटैक किया भाई, वो पहले था डेविल का अटैक लेकिन ये पावर मिक्स हो गई थी एंजल और डेविल की। यहाँ पे दोनों और एंजल और डेविल की पावर मिक्स होने के बाद भाई यहाँ पे पहले बात तो उसने मुक्का दिया उसके, और उसके पीछे से क्रिस्टल उसको चीरते हुए निकला। फिर भाई वहां पे जिन ने दो चार स्लैश दिए उसे, उसके बाद दोनों अपने हाथों में तलवारें निकाल के कजोया को बीच में से ही फाड़ दिया। लेकिन भाई यहाँ दोनों की पावर भाई अभी भी बहुत ज्यादा पीक पे थी, दोनों ने एक दूसरे को मुक्के बजाए एकदम अपनी फुल पोटेंशियल के साथ, फुल पावर के साथ। भाई साहब दोनों ने एक दूसरे को मुक्के बजाए और दोनों के मुक्के ही ना मतलब कि ना दोनों की पावर एक ही सेम लेवल पे थी, किसी के ना नीचे किसी के ना ज्यादा। तुम देख सकते हो भाई यहाँ पे दोनों एक दूसरे को ना मतलब कि मारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरा फुल फोर्स लगा रहे हैं। लेकिन भाई साहब यहाँ पे ना एक साइड से डेविल का विंग यानी पंख तुम कह सकते हो डेविल की एनर्जी निकल रही थी, दूसरी साइड से एक एंजल की एनर्जी निकल रही थी, और ऐसा लग रहा था भाई कोई चिड़िया है जिसके दो दो पंख हैं अलग अलग। यहाँ पे भाई जिनका डेविल आर्मर उतर गया इतनी ज्यादा फोर्स थी, यहाँ पे कजोया का डेविल आर्मर उतर गया इतनी ज्यादा फोर्स थी, और भाई इन दोनों ने अभी भी अपनी एनर्जी मतलब रोकने की कोशिश करी नहीं। यहाँ पे ये लोग इतना तगड़ा मतलब लड़े, इतनी तगड़ी इन्होंने पावर लगा दी कि पूरे मतलब कि ना यहाँ पे स्पेस में भी एकदम तगड़ा सा धमाका हो गया, और इन दोनों के ना डेविल आर्मर ही उतर गए भाई। वहां से वो जो चट्टान स्पेस में थी वो नीचे गिरने लग गई जमीन पे। ठीक है, और उसके बाद अपने चैप्टर 15 यानी आखिरी चैप्टर की स्टार्टिंग हुई। यहाँ पे दोनों के ही भाई डेविल आर्मर और एंजल आर्मर खत्म हो चुके थे। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों में से ही किसी के पास भी डेविल या एंजल पावर बची नहीं। फिर इन दोनों की वन ऑन वन ना ऐसी ह्यूमन वाली फाइट होने लग गई। ठीक है, इसमें भी भाई मैं कजोए को बहुत तगड़ा ही बेल रहा था। ठीक है भाई, वो बंदा भी मेरे को बेल रहा था, लेकिन मैंने एंड में जाके उसको यहाँ पे भी खत्म किया। लेकिन भाई ये बंदा फिर से खड़ा हुआ, यहाँ पे फिर से खड़ा हुआ, यहाँ दोनों बाप बेटों में फाइट चल रही है अलग अलग तरीकों से। फिर इन दोनों की फाइट हुई, फिर मैंने ये कजोया को खत्म किया भाई, क्योंकि यहाँ पे उसको खत्म करना पड़ रहा था, बार 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 ये फाइट कर लेते थे। उसके बाद भाई फिर यहाँ पे इन दोनों के बीच में बातें चली, और यहाँ पे जिन अब वाली फाइट में ना मिशिमा स्टाइल का यूज करने वाला था, और यहाँ पे मिशिमा स्टाइल का यूज करते करते जिन ने भाई लास्ट टाइम फिर से कजोया को हरा दिया। और सच्ची बताऊँ यहाँ पे मैं भी नहीं जान सकता ये लास्ट टाइम है या फर्स्ट टाइम है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको खत्म कर दिया। उसके बाद भाई फिर इन दोनों में बातचीत चालू होने लगी, पता नहीं कितनी बातचीत करेंगे। फिर फाइट हुई, फिर मैंने कजोया को हराया भाई, फिर मैंने कजोया को हराया। उसके बाद इन दोनों में फिर बातचीत और भाई अजीबोगरीब बातें चालू हो गई। ठीक है, यहाँ पे एक दूसरे को मार रहे हैं दोनों भाई, कभी कजोया मार रहे हैं जिनको, कभी जिन मार रहा कजोया को। लेकिन भाई यहाँ पे जो अपना जिन था उसने कजाओ स्टाइल यूज करना स्टार्ट कर दिया। फिर इन दोनों की फाइट होने लग गई, और भाई मैं थक चुका था सच्ची में भाई, कितना लड़ोगे, मर जाओ कोई एक बंदा भाई। यहाँ पे मेरी एकदम थोड़ी सी एचपी बची थी, और हर बार इस टेकन एट में यही हुआ है, 30 HP में हारने वाला था। लेकिन ना भाई मैं इस बार पता नहीं कैसे पहली बार जीत गया, मैं हार जाता हूँ 30 HP पे। लेकिन भाई यहाँ पे ना जिन को भाई कजोया ने अच्छी तरीके से फेल दिया, और जिन लेट गया नीचे। लेकिन भाई जिन भी अपना भाई याद करने लग गया अपने उन लोगों को, यहाँ पे कजोया भाषण देने लग गया कि जो लड़ाई होती है वो अपने ना मतलब लास्ट में कौन खड़ा रह जाता है उसकी होती है। फिर भाई यहाँ पे जिन जो था अपने पीछे जितने भी लोग थे, जितने भी लोग उसे प्यार करते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं, उसको याद करने लग गया। उसके बाद यहाँ पे जिन खड़ा हुआ, फिर इन दोनों की फाइट हुई। यहाँ पे भाई जिन ने इसे तगड़ा मारा, मतलब मैंने ही मारा यार, जिन ने क्या मारा, जिन कंट्रोल तो मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने उसे तगड़ा मारा। उसके बाद एंड में भाई ये लोग खत्म हुए। उसके बाद भाई यहाँ पे ये फिर से अपने मतलब जिनको सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ उन लोगों को ना इसने याद किया जिन ने। उसके बाद भाई यहाँ पे जिन ने एक मुक्का मार दिया कजोया के, फिर इन दोनों की फाइट चालू हुई। फिर यहाँ पे मैंने कजोया को पेल दिया, यहाँ पे फिर कजोया पिल गया। और उसके बाद भाई यहाँ पे बवंडर बवंडर आंधी वगैरह सब कुछ आने लग गए। सोचो भाई इन लोगों ने कितनी डिस्ट्रक्शन मचा दी थी, इनकी पावर कितनी थी। फिर एंड में भाई ये एंड पंच था जो दोनों के मुंह पे लगा, एक बेटे का बाप के मुंह पे और बाप का बेटे के मुंह पे। लेकिन एंड में क्या हुआ, एंड में सिर्फ ये हुआ कि एंड में भाई जो अपना कजोया था वो हार गया और नीचे गिर गया। ठीक है, यहाँ पे कजोया अपना नीचे गिर गया और जिन फाइनली जीत गया। भाई मेरे को पता नहीं कि कजोया मर चुका है या जिंदा है, लेकिन जिन जीत गया
और जिनको भाई पूरे बवंडर ने घेर लिया, फिर हमें पता चला कि भाई वो बवंडर ने नहीं घेरा, सुबह हो गई सुहानी सुहानी सी, ठीक है। यहाँ पे फिर भाई जिन खड़ा हुआ था और जिन सोच रहा था कि अब डेविल ब्लड पूरी तरीके से जा चुका है, लेकिन भाई मैंने ये देखा था कि भाई उसके जिन के हाथ पे अभी भी डेविल साइन है, तो डेविल ब्लड गया है नहीं गया मैं इस सोच में हूँ। फिर जिन शोयू से मिलने आया, यहाँ पे दोनों बंदा बंदी मिल गया अपने आपस में, बाइक पे राइड करने वाले थे। फिर ये कजोया के पास कोई लड़की आई, मेरे हिसाब से भाई ये नीना हो सकती है, लेकिन ये साइलेंस रखा गया, एकदम सस्पेंस रखा गया कौन थी। फिर यहाँ पे रेना जो भाई मर चुकी थी, जिसकी आंख खुली थी, वो यहाँ पे जिंदा हुई, और जिंदा होने के बाद भाई ये रेना कुछ ऐसा बोलती है कि ये हायाची जो है उसका बाप है, ये जिनकी बुआ है कजोया इसका भाई है, और भाई डेविल ब्लड इसके अंदर भी है, डेविल ब्लड अभी गया नहीं है, ठीक है। तो अब टेकन 9 जो आने वाली है वो अलग ही सीन होने वाला है उसका, कि क्या होने वाला है उसमें, ठीक है भाई। टेकन 8 का स्टोरी मोड अपना यही खत्म होता है। तो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना, साथ ही साथ भाई वीडियो को शेयर भी कर देना, कमेंट करना चाहो कुछ भी कमेंट कर सकते हो। और भाई टेकन 9 जब भी आएगी भाई इस चैनल पे अपन खेल देंगे, तुम्हें इस चैनल पे मिल जाएगी, इसलिए भाई प्लीज नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखना। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।